तो कैसे हैं आप सब, और आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में और साथ साथ बहुत ही पुराने मॉडल में हम मैजिक लेके आए हैं, क्योंकि बहुत पहले जब मैं वीडियो बनाया करता था तब इस तरीके से मेरे सामने एक टेबल हुआ करता था, मैं खड़ा होकर इस तरीके से नॉर्मल ड्रेस में मैजिक करता था। तो बहुत दिन के बाद आज वैसा एक मैजिक ट्रिक्स लेके आया हूँ। बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई कुछ ऐसा मैजिक दिखाइए, ऐसा मैजिक दिखाइए जो हम अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आज का ये मैजिक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इस मैजिक को आप लोगों को आखिर में सिखाऊंगा। यानी कि बहुत ही मजेदार मैजिक है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास है छोटा सा कटोरा, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और इसको मैं सबसे पहले बीच में रख देता हूं, और मेरे पास है एक पानी का बॉटल जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें पानी भी भरा हुआ है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इसका ढक्कन ओपन कर लूंगा, और मैं आपको दिखा सकता हूं ढक्कन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसको यहां पर रख दिया, और इसके अंदर जो पानी है ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं आपको दिखा देता हूं, और ये सिंपल वाटर, ठीक है, बिल्कुल खाली है, और ये पानी आराम से नीचे बाहर भी गिर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बट इसमें मैं मैजिक करूंगा, जस्ट 1, 2 एंड 3, इसमें हमने मैजिक कर दिया। और अभी मैं इस बटल को कुछ इस तरीके से लूंगा अपने हाथों में, और फिर ऐसे मैं उल्टा कर दूंगा, तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, मतलब जब तक मैं ये हाथ को नहीं हटाता हूँ तब तक पानी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा हटाने से ये पानी नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है। बट अभी मैं मैजिक करने जा रहा हूँ, और क्या होगा ना, पानी के अंदर जो भी बटल के अंदर जो भी पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर पानी है, जस्ट 1 सेकेंड, मैजिक टाइम, 1, 2 एंड 3, वाह, दिस इज़ अमेजिंग गाइज। आप देख सकते हैं पानी जो गिरना बिल्कुल बंद हो चुका है, थोड़ा भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है। और आप चाहे तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं बटल के अंदर पानी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है आप इस मैजिक को बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाकर आप सबके साथ दिखा सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी। इसके लिए आपको सिर्फ इस मैजिक को सीखना है, और 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद आप इस मैजिक को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पानी को कभी भी आप कहीं पर भी अटक कर रख सकते हैं, यानी कि अभी भी नीचे नहीं गिरेगा। तो कैसा लगा, अगर मैं अभी इसको कहूंगा पानी को नीचे गिरने के लिए तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखना चाहते हैं, देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और इस हाथ में भी कुछ नहीं है, जस्ट 1, 2, 3, वन आ गाइस मैजिक। तो ये देखिए बटल में कुछ भी नहीं है, चाहे तो आप बटल को लेके भी चेक करके देख सकते हैं, बटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का ये हमारा मैजिक, प्लीज़ मुझे कमेंट पर लिख के ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर मैं नया नया मैजिक ट्रिक्स आप लोगों को दिखाता हूँ और सिखाता रहता हूँ। अगर आप भी मैजिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब सीखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। तो गाइस इस मैजिक को सिखाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल मैजिशियन यानी कि परफेक्ट तरीके से मैजिक सीखना चाहते हैं, मैजिशियन बनना चाहते हैं, तो हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जहाँ पर आप पार्ट टू पार्ट मैजिक सीख सकते हैं और एक परफेक्ट मैजिशियन बन सकते हैं, मैजिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम क्लास शुरू करने वाले हैं, शुरू हो जाता बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूं। बट अभी हमारा वेबसाइट जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी ये लॉन्च करने का। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो देखिए ये जो मैजिक है इसको करने के लिए आप कटोरा यूज कर सकते हैं और बाल्टी भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी। और आपको इस मैजिक को करने के लिए जो सबसे पहले चाहिए वह है पीने की बटल, पानी की बटल होगा तो चलेगा। पानी की बटल लेना है आपको, आधा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने मैजिक दिखाने से पहले आपको दिखाकर आधा पानी नीचे गिरा दिया था, क्योंकि ज़्यादा वजन होगा, अगर इसके अंदर ज़्यादा पानी रहेगा तो ये मैजिक नहीं हो सकता है, कभी कभी बीच में खराब भी हो सकता है। और आपको एक चीज़ चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैजिक के लिए, आपको चाहिए प्लास्टिक पेपर। ओके, शायद कैमरा पे आ रहा होगा प्लास्टिक पेपर, मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो है ये है प्लास्टिक पेपर, ये आपको कहाँ मिलता है, आप अगर कभी शार्ट खरीदते हैं, जैसे शार्ट
ठीक है, ये शार्ट होता है, जब शार्ट करते हैं तो उसके कॉलर में आपको प्लास्टिक का पेपर मिल जाता है, और भी बहुत सारे जगह पर आपको ये प्लास्टिक पेपर मिल जाता है। चाहे तो आप बटल का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को काट के भी आप बना सकते हैं। ऐसे आपको एक कॉइन जैसा बना लेना है, ठीक है, कॉइन जैसा होता है गोला सा, वैसा आपको काट लेना है। किस हिसाब से आपको काटना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो ढक्कन है, ढक्कन के हिसाब से नहीं, इसका जो ये होता है साइज होता है, मुँह होता है, इसका जो साइज होता है उस साइज के हिसाब से आपको काट लेना है। ठीक है, हमने ये काट कर लिया है, और इसको काट करके हमने क्या किया था ना, सबसे पहले हम इसको बटल के ढक्कन के ऊपर रखा था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ताकि हम मैजिक को आसान से दिखा सकें। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मैजिक। सो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, खाली है, हमारे पास एक कटोरा है जो खाली है, हम यहाँ पर रख देते हैं। और अभी हमारे पास देखिए एक पानी का बटल है। ऐसे जब बटल दिखाते हैं तब हम इस हाथ को राइट लेफ्ट आपका मर्जी कौन से हाथ को रखेंगे, रख के ऐसे दिखाते हैं कि देखिए पानी है, तब हम क्या करते हैं ना हाथ में इसको ले लेते हैं, ये जो प्लास्टिक है इसको हम हाथ में ले लेते हैं। और लेने के बाद फिर ऐसे बात करते हैं कि चलिए आप इसका ढक्कन ओपन करते हैं और इसको पानी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल है। ऐसे करते करते आपको आधा पानी बाहर कर देना है ताकि ज़्यादा पानी ना रहे, नहीं तो ज़्यादा पानी रहने से ये ख़राब हो सकता है ट्रिक्स। फिर मैजिक करने की छाल में मैं क्या करता हूँ ना, इस जो प्लास्टिक पेपर है इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, कैसे ना, ऐसे 1, 2 एंड 3। अब क्या करता हूँ ना, ऐसे मैं जब छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर अटक जाता है और पानी नीचे नहीं गिरता। तो ये प्लास्टिक पेपर यहाँ पर लगा हुआ है, ज़्यादा आपको ज़ोर से हिलाना नहीं है, ऐसे आप थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, ऐसे करके हिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है, नहीं तो ये ओपन हो जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। थोड़ी देर इस तरीके से मैजिक को दिखाने के बाद आपको जब गिराना हो पानी को, करना क्या होगा, आपको उंगली से थोड़ा सा बटल को दबा देना है, जब भी दबा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, पानी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1, 2 एंड 3 हो गया मैजिक। इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप कभी भी इस मैजिक को कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करें, हाथों में इसको रखने का तरीका थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, आप भी आसान तरीके से घर में बना के सबको दिखाकर हैरान कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं, अगर मैजिक सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर मैजिक सीखना नहीं है तो आपका मर्जी, आपका जो भी करना चाहते हैं कर देना। तो चलिए यहां पर वीडियो को खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।